गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे आपके एंटो में जो पेस्ट वाले कोर्स है, इसके अंदर मोस्टली आपके हो गए थे पेस्ट और मुश्किल से 3 या 4 क्लास और होगी तो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई अच्छे से पढ़ लेना इनको, एग्ज़ाम भी शायद आपके नज़दीक आने वाले हैं। आज जो बचे हुए पेस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, आगे 1-2 क्लास और होगी उसमें कोर्स जो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एप्पल के पेस्ट, ठीक है? कौन सी क्रॉप के? एप्पल के, ठीक है? दो पेस्ट है एप्पल के आपके कोर्स के अंदर, है ना? उनमें से फर्स्ट है सेंट जोन स्केल, एप्पल का सेंट जोन स्केल। ये जो है स्केल इंसेक्ट है, ठीक है? इसके बारे में बाकी अभी कंप्लीट जो है डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, तो इसका साइंटिफिक नेम है क्वाड्रास्पीडियोटस परनीसियसस, ठीक है? क्वाड्रास्पीडियोटस परनीसियसस। फैमिली है इसकी कोक्सीडी या फिर डाइस्पीसीडी भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी बहुत जगह। कोक्सीडी याद रख लेना, इजीली याद रहेगा। फिर है ऑर्डर हेमिप्टेरा, ठीक है? अब यहाँ पे हेमिप्टेरा ऑर्डर की बात आ रही है, तो हेमिप्टेरा ऑर्डर जो है उसमें आपने पढ़ा है, पहले बहुत सारे पेस्ट पढ़े भी हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर के। तो इसमें कॉमन चीज़ें क्या क्या है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो क्या होगा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है? लाइफ साइकिल के अंदर जनरली कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है। माउथ पार्ट कैसे होते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के, ठीक है? माउथ पार्ट कैसे होते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के, ठीक है? इसके अलावा हनीड्यू का सिक्रेशन करते हैं, है ना? और सूटी मोल्ड वगैरह फंगस लग जाती है, या फिर इनकी खास बात क्या होती है, ये मोस्टली क्या करते हैं, वैक्सी ग्रोथ होती है, यानी कि वैक्स का सिक्रेशन भी करते हैं ये, ठीक है? तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हेमिप्टेरा ऑर्डर से रिलेटेड है। बहुत सारे पेस्ट हमने पढ़े हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। 3 स्टेज जो मैंने बताया ना, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट फ्लाई जो हमने पढ़ी थी, है ना, उसके अंदर क्या होता है, 4 स्टेज होती है ना? ऐसे ही आज हम जो पेस्ट पढ़ने वाले हैं इसके अंदर 2 स्टेज होती है भाई। कितनी होती है? 2 स्टेज। दोनों ही पेस्ट में दो दो स्टेज होती है, निम्फ और एडल्ट दो ही होते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो होस्ट प्लांट की बात करें तो मेनली तो एप्पल का पेस्ट तो है ही है, ठीक है? एप्पल का तो है, प्लस क्या है, जितने भी टेम्परेट क्रॉप्स जो होती है, एप्पल कौन सी क्लाइमेट का वो सॉरी फ्रूट है अगर हम बात करें तो टेम्परेट का, यानी कि शीत जो ऋषि होती है ना उसमें, टेम्परेट टेम्परेट जो सीजन का है। तो इसके अलावा अब हम बात करें यानी कि इससे रिलेटेड जितनी भी इस जोन के अंदर जो भी क्रॉप्स होती है, यानी कि ठंडा जो क्षेत्र है जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पे जितने भी फ्रूट क्रॉप्स होगी मोस्टली उन सब के अंदर क्या है, इसका डैमेज होता है। फिर बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की, तो नेचर ऑफ डैमेज में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या नुकसान पहुँच जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया एक चीज़ कि इसके लाइफ साइकिल में क्या होती है, 2 स्टेज होती है, ठीक है? क्या होता है, 2 स्टेज होती है, दो ही अवस्थाएं होती है, ठीक है? और कौन कौन सी? निम्फ और एडल्ट, एक तो होती है निम्फ एंड एडल्ट। अब क्योंकि इसकी खास बात क्या है, निम्फ और एडल्ट दो, अब यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एग्स कहाँ गए, क्योंकि नॉर्मली एग स्टेज तो होती होती है सबके अंदर, तो एग स्टेज होती है लेकिन इसकी जो फीमेल होती है, ठीक है, इसकी जो फीमेल होती है, एग का डेवलपमेंट उस फीमेल के अंदर ही होता है, बॉडी के इनसाइड होता है। एग का डेवलपमेंट बॉडी से बाहर वो डायरेक्ट क्या है, निम्फ को जन्म देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ओवो वीवी पेरस भी बोलते हैं, ओवो वीवी पेरस, ओवो वीवी पेरस इंसेक्ट भी बोलते हैं इसको। क्यों? वीवी पेरस का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट बर्थ करता है निम्फ को, ठीक है, जो डायरेक्ट निम्फ को जन्म देता है। ओवो का मतलब यहाँ क्या है, एग से है ना? तो इसका इसको ओवो वीवी पेरस बोलते हैं, क्योंकि इसके एग का डेवलपमेंट जो होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है भाई? चलिए बात करते हैं आगे। अब इसमें जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो कौन सी होती है, निम्फ तो होता ही होता है, एडल्ट भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एडल्ट में सिर्फ फीमेल। चलिए देखते हैं आगे, निम्फ एंड एडल्ट फीमेल दोनों नुकसान पहुंचाती है, ठीक है? सेप, अब एक चीज़ होती है हेमिप्टेरा, मैंने आपको बताया क्या करेंगे, ये जो सेप होता है ना, जो जूस कंटेंट होता है प्लांट के अंदर, वो ये क्या है, सक करते हैं, जैसे जितने भी सॉफ्ट पार्ट है वो ब्रांच हो गया या स्टेम हो गया या लीव्स हो गई, उन सब से ये जो है, या फिर मेनली जो नुकसान पहुंचाते हैं वो जो टर्मिनल पोर्शन पे जो ऊपर के प्लांट के ऊपर की जो लीव्स होती है या फिर फ्लावर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ट्विक्स जिसको बोलते हैं।
देखिए निम्फ एंड एडल्ट दोनों फीमेल जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है ये सेब सक करते हैं, ठीक है, सेब सक करते हैं कहाँ से, लीव्स से, सॉफ्ट स्टेम से यानी कि सॉफ्ट तना जो है, या फ्रूट से मेनली, है ना, फ्रूट से भी बहुत ज़्यादा ये क्या है रस चूसते हैं जिससे उसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं, वो आगे बढ़ेंगे हम। फिर है इससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ है वो छोटी रह जाएगी, ठीक है, प्लांट की हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी, रुक जाती है हाइट, टर्मिनल ट्विग्स बिकम ड्राई, ठीक है, टर्मिनल ट्विग्स यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है प्लांट का ना, टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सूखने लगता है, ठीक है, सूखने लग जाता है। फिर है अफेक्टेड फ्रूट्स, अब जो इससे अफेक्टेड हो गए हैं फ्रूट्स वो क्या है, छोटे रह जाते हैं, एक तो फ्रूट क्या होंगे छोटे रह जाएंगे, प्लस उनकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। अफेक्टेड फ्रूट स्मॉल छोटे रह जाते हैं, स्केली, स्केली का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके ऊपर क्या है लेयर सी बन जाती है, ठीक है, धब्बे से दिखाई देते हैं स्केल्स के इस इंसेक्ट की वजह से। फिर है अब ये जो धब्बे होंगे ना, ये मान लीजिए इस प्रकार जो धब्बा होगा, हर धब्बा जो है वो क्या है रेड कलर से जो कवर रहता है, ठीक है, रेड कलर के स्पॉट जो है उससे कवर रहता है, एवरी स्पॉट यानी कि ये जो स्केल के धब्बे दिखाई देते हैं ना, एवरी स्केल सॉरी स्पॉट कवर विद रेड कलर यानी कि लाल कलर से क्या होता है वो घिरा होता है। मान लीजिए यहाँ कोई धब्बा बन गया, ठीक है, मान लीजिए ये कोई जो है एप्पल है, एप्पल में अब यहाँ पे कोई स्पॉट बन गए ऐसे अलग अलग, है ना, तो इन स्पॉट के ऊपर यहाँ पे आसपास क्या होगा, हर स्पॉट के आसपास रेड कलर के जो है वो दिखाई देंगे भी, है ना, रेड कलर से घिरा हुआ रहता है ये, तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर है फ्रूट क्वालिटी डिक्रीज, पता ही है इससे क्या होगा, क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या है ये जो जूस कंटेंट होता है उसको सोख लेते हैं, इसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है जो बाहर से शाइनिंग जो होती है फ्रूट की वो ख़त्म हो जाती है, प्लस क्या है उसमें बहुत सारे जो फंगस वगैरह भी लगने के चांस रहते हैं, इससे क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है। फिर है इंसेक्ट बॉडी कवर्ड विद, अब इंसेक्ट की जो बॉडी होता है ना स्केल इंसेक्ट, इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये कवर रहता है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है कवर्ड विद ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की जो स्केल होता है उससे कवर रहती है, बॉडी जो है वो पूरी तरह कवर रहेगी, ठीक है, और इसके अंदर इंसेक्ट जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है, जब हम उस स्केल को तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इंसेक्ट जो होगा वो लाइट येलो कलर का होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल की अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, कितनी स्टेज होती है, टू स्टेज, इसके अंदर सिर्फ दो ही अवस्थाएँ होती है, ठीक है, दो ही अवस्थाएँ होती है। अब इसमें होता क्या है मैं पूरा आपको बता देता हूँ बड़ा बड़ा। सबसे पहले बात करते हैं नींव की, है ना, एग्स की बात करते हैं, तो एग का तो यहाँ पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एग्स का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर डायरेक्ट वो निम्फ को बर्थ करती है, ठीक है, निम्फ का जन्म होता है। अब क्या होगा, जो एक्टिव निम्फ जो होंगे, ठीक है, एक्टिव निम्फ जो होंगे वो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे फीमेल के साथ। अब ये फीमेल्स जो होती है ना, इसकी खास बात क्या होती है कि ये हमेशा पूरी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कवर रहती है, मेल्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, ठीक है, लेकिन फीमेल्स जो होगी वो स्केल से कवर रहेगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड फीमेल जो होती है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड फीमेल जो होती है ये बाद में वापस क्या करती है, निम्फ को जन्म देती है, निम्फ को जन्म देती है। अब ये निम्फ क्या करेंगे, ये जो पेरेंटल जो स्केल्स बने होते हैं, ठीक है, पहले के पेरेंट्स के जो स्केल होते हैं सबसे पहले तो उसमें मूव करेंगे, ठीक है, पेरेंटल स्केल्स जितने भी बने होंगे उसके अंदर मूव करेंगे, उसके अंदर मूव करने के बाद पहले तो वहाँ पे रहेंगे, फिर 12 से 24 घंटे बाद, लगभग 12 से 24 घंटे बाद ये क्या करते हैं, वहाँ से मूव आउट करते हैं और प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं प्लांट के, है ना, वहाँ पे जाके क्या करते हैं जो है सेब सक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, प्लांट पार्ट्स हैं वहाँ पर पहुँचेंगे और लीव्स वगैरह से या फिर बात करें फ्रूट से क्या करेंगे उसका सेप जो सक करेंगे, उससे क्या होगा उसके ऊपर बहुत सारे जो है स्पॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मोल्टिंग उनमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लगभग दो इंस्टार बाद, है ना, दो टू इंस्टार्स के बाद फीमेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फीमेल बनती है, ठीक है। अब
फीमेल तो बनती है 2 इंस्टार के बाद और मेल बनते हैं 4 इंस्टार्स के बाद, यानी कि मोल्टिंग उसके लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। फीमेल जो है वो 2 इंस्टार्स के बाद बनती है और मेल्स जो होते हैं वो 4 इंस्टार्स के बाद बनते हैं। इसकी खास बात ये है कि फीमेल जो होती है उसके अंदर विंग्स नहीं होते, ठीक है, फीमेल के अंदर विंग्स नहीं होते और मेल जो होती है उनके अंदर 1 पेयर ऑफ विंग्स यानी कि सिर्फ 2 ही पंख होते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका लाइफ साइकिल है। अब निम्फ इसके बाद ये एडल्ट बनेंगे, ठीक है, मोल्टिंग होने के बाद एडल्ट बनेंगे और एडल्ट से बाद में वापस क्या है, जो एडल्ट फीमेल होगी, मेल तो किल हो जाता है, जो फीमेल होगी वो क्या करती है, स्केल के अंदर कवर ही रहती है और वो क्या डायरेक्ट फिर बाद में वापस निम्फ को जन्म देती है, ठीक है। इस प्रकार ये लाइफ साइकिल इनका चलता रहता है, 2 ही स्टेज जो है वो मानी जाती है। लेकिन क्या है, ये जो 4 इंस्टार्स होते हैं, 2 इंस्टार्स तो सेम होते हैं लेकिन 4 इंस्टार्स जो होते हैं, बाकी के 2 इंस्टार्स जो होते हैं ये माना जाता है कि ये प्री प्यूपल और प्यूपल यानी कि प्यूपा स्टेज से पहले की और प्यूपा स्टेज जो मानी जाती है बहुत ही कम समय की होती है। इसके बाद डायरेक्ट जो है वो मेल का डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर क्या है, 1 पेयर ऑफ विंग्स होता है, 1 जोड़ी पंख होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले बात करेंगे निम्फ की। तो निम्फ में क्या है, आफ्टर कम आउट फ्रॉम स्केल, ठीक है, यानी कि स्केल से बाहर आने के बाद, ठीक है, एक्टिव मेल निम्फ। अब जो एक्टिव मेल निम्फ हो गए, मैंने भी आपको बताया ये क्या है, फर्टिलाइजेशन करते हैं फीमेल के साथ, जो हमेशा क्या रहती है, स्केल के अंदर कवर रहती है, ठीक है। अभी जो फर्टिलाइज्ड फीमेल, अभी मैंने आपको बताया था फर्टिलाइज्ड फीमेल है, ये क्या है, गिव बर्थ निम्फ, ये निम्फ को जन्म देती है 8 से 10 निम्फ पर डे, ठीक है, एक दिन में लगभग 8 से 10 निम्फ को जन्म देती है और अप्रोक्सीमेटली क्या है, लगभग जो है 42 डेज यानी कि 42 दिन तक ये क्या है, लगातार निम्फ को जन्म देती रहती है, ठीक है। इस प्रकार लगभग टोटल जो है वो 300 से 400 निम्फ जो है वो पूरी लाइफ साइकिल के अंदर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, देखो, फीमेल इज ओवो वीवी पेरस, ये मैंने भी आपको बताया था, ओवो वीवी पेरस, इसको ध्यान रखना भी है ना, फीमेल क्या होती है, ओवो वीवी पेरस होती है, इसका मतलब क्या है, एग का डेवलपमेंट जो है वो फीमेल के अंदर ही होता है और बाहर वो डायरेक्ट क्या करती है, निम्फ को जन्म देती है, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल के अंदर 300 से 400 जो निम्फ देती है। फिर निम्फ्स आर फ्री लिविंग, अब ये निम्फ जो होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं यानी कि स्वतंत्र रहते हैं, ये यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, जो पेरेंटल स्केल्स जो होती है ना उनकी तरफ मूव करते हैं, उसके बाद लगभग 12 से 24 घंटे बाद ये क्या करते हैं, जो जूस वगैरह होता है उनको जो है सक करना स्टार्ट कर देते हैं प्लांट के पार्ट से, ठीक है। देन स्टार्ट सकिंग सेल सैप, है ना, जो कोशिकाओं से क्या है रस जो है वो चूसना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, इनके बॉडी से वैक्सी सिक्रेशन होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वैक्स का सिक्रेशन होता है और मेनली स्टार्टिंग में जब सिक्रेशन स्टार्ट होता है तो ये माना जाता है कि डोर्सल साइड जो होती है ना, वैक्सी सिक्रेशन होता है और ये माना जाता है कि स्टार्टिंग इसकी जो होती है वो होता है डोर्सल साइड से, यानी कि ऊपर वाली जो सतह है वहाँ से, तो इससे क्या होता है, बॉडी जो है वो कवर हो जाती है वैक्स से, वैक्सी सिक्रेशन स्टार्ट फ्रॉम बॉडी। फिर है स्टार्ट मोल्टिंग, मोल्टिंग होने लग जाती है आफ्टर 21 डेज यानी कि 21 दिन बाद इनमें त्वचा निर्मोचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इनके अंदर मोल्टिंग होती है, पहले इनके अंदर लेग्स भी होती है, एंटीनाज भी होती है, लेकिन क्या है, मोल्टिंग के बाद ये अलग हो जाते हैं, अपार्ट होने का मतलब अलग, लेग्स एंड एंटीनीज अपार्ट है ना, यानी कि जो है ये है मोल्टिंग के बाद अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं कहने का मतलब, ठीक है, अलग होना या झड़ना, ठीक है। तो ये क्या है, झड़ जाते हैं, बॉडी से अलग हो जाते हैं। अब क्या होगा, आफ्टर 2 इंस्टार्स यानी कि 2 बार मोल्टिंग होने के बाद आफ्टर 2 इंस्टार्स विंगलेस फीमेल्स डेवलप। यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है विंगलेस, अभी मैंने आपको बताया था कि मेल इसकी फीमेल्स जो होगी उनके अंदर विंग्स नहीं होते हैं, तो क्या है, विंगलेस फीमेल जो है डेवलप होती है एंड आफ्टर 4 वीक और 4 सप्ताह बाद क्या है, मेल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब ये माना जाता है कि ये जो बीच की 2 स्टेज है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हो गए इंस्टार्स, यहाँ पे 4 इंस्टार्स है, तो 4 इंस्टार्स जो होते हैं इनके अंदर क्या है, ये माना जाता है कि एक स्टेज तो प्री प्यूपल होती है और एक प्यूपल स्टेज होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो एडल्ट है उनका डेवलपमेंट हो जाता है, एडल्ट इमर्ज आउट होते हैं। अब बात करेंगे एडल्ट्स की, तो एडल्ट में फीमेल जो होगी वो राउंड यानी कि गोलाकार होती है और लगभग 20 mm लंबी होती है, ठीक है, गोलाकार और 20 mm लगभग उसका साइज होता है। अब इसका जो स्केल होगा वो ग्रे कलर का वैक्सी स्केल होता है, शेल होता है, यानी कि स्केल जो होगा इसके बाहर की जो आवरण होगा वो क्या होगा, ग्रे कलर का और वैक्स वाला जो है वो कवर रहता है, ठीक है। अब बात करें ये बीच में से सेंट्रल
निपल राइज्ड यानी कि रेज्ड सेंट्रल निपल यानी कि बीच वाला जो पार्ट होता है, इस प्रकार के स्केल होते हैं, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको इस प्रकार से, है ना। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, सेंट्रल निपल जो है ये रेज्ड रहती है यानी कि ऊपर की ओर उठी हुई रहती है, ठीक है। ये चीज़ बताना चाह रहा है। अब ये इसकी फीमेल है, ये इसका मेल इंसेक्ट है ना। मेल के अंदर सिर्फ वन पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, फीमेल जो है वो पूरी तरह कवर रहती है, जो ये शेल बना होता है, ठीक है, ग्रे कलर का शेल बना होता है, इस शेल के अंदर ये क्या है, कवर रहती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है मेल ओवल शेप्ड। अब ये जो मेल होते हैं ये ओवल शेप्ड यानी कि अंडाकार होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अंडाकार, ये दिख रहा है ना, ये क्या है, अंडाकार होते हैं। फिर 1 mm साइज, लगभग 1 mm होता है। अब रेज्ड डॉट्स, इनके ऊपर भी क्या है, डॉट्स होते हैं बने हुए, जो इसके अब दो एंड होते हैं ना, जो सेल होता है यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये जो सेल है एक तरफ से मोटा होता है एक तरफ से पतला होता है। जो रेज्ड वाला हिस्सा होता है यानी कि एंड वाला हिस्सा जो होता है जहाँ से थोड़ा सा मोटा होता है वहाँ पर डॉट्स पाए जाते हैं कुछ, ठीक है। रेज्ड डॉट्स नियर द लार्जर एंड ऑफ द सेल, ठीक है। सेल का जो लार्ज वाला हिस्सा जो है, बड़े वाला जो पार्ट है, उसके पास क्या है, डॉट्स पाए जाते हैं उठे हुए, ठीक है। फिर है येलो। अब कलर की बात करें तो येलो कलर होता है, मेल की बात चल रही है, येलो कलर होता है एंड टू विंग्स होती हैं यानी कि वन पेयर होता है ओनली, या फिर बात करें दो ही जो है वो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं। तो ये था इनका लाइफ साइकिल। अब ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए हैं। इस प्रकार फीमेल जो है वो कवर रहती है, ठीक है, स्केल के अंदर। और ये जो है मेल इंसेक्ट है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ वन पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। ये फीमेल है, ये क्या है, किसी फ्रूट के या फिर बात करें लीफ का, या लीफ के ऊपर क्या है, जिस टाइम सक करते हैं उस टाइम की है, ठीक है ना। ये माउथ पार्ट इसके अंदर इंजेक्ट करके रस चूसते रहते हैं, वैसे ही इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये अफेक्टेड फ्रूट है ना, दिख रहा है इस प्रकार से क्या है, ये चिपके हुए रहते हैं, धब्बे से दिखाई देते हैं। अच्छे से इसको देखते हैं तब पता चलता है कि ये कोई इंसेक्ट है, इसको स्केल इंसेक्ट बोलते हैं। इस प्रकार से ये चिपके हुए रहते हैं फ्रूट के ऊपर, और ये मेल्स हैं, है ना, राउंड शेप के। तो इस प्रकार इसको जो है हम पहचान सकते हैं, ठीक है, ये इसको यह है कि कैसे डैमेज करता है और किस प्रकार के ये दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो दो ही स्टेज होती है, एक तो निम्फ एंड एक एडल्ट। अब बात करेंगे टाइम पीरियड की, तो मेल्स जो होते हैं वो लगभग 25 से 30 दिन बाद, है ना, 25 से 30 दिन का इनका टाइम होता है निम्फ से एडल्ट में बदलने का, और फीमेल जो होती है वो 30 से 40 दिन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंस्टार तो दो होते हैं फीमेल में, हालांकि इंस्टार कम होते हैं मेल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइम पीरियड की बात करें तो फीमेल में ज़्यादा होता है और मेल का कम होता है। ऐसे ही अगर बात करें एडल्ट से वापस जो निम्फ बनते हैं, इनमें 10 से 14 दिन लगते हैं फीमेल को, और मेल को लगते हैं 2 से 3 दिन, ठीक है, फीमेल और मेल का अलग अलग यहाँ पे बता रखा है। फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ये तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 4 स्टेज नहीं होती है, कम्प्लीट लाइफ साइकिल नहीं होता है। टोटल इनका जो लाइफ साइकिल है वो 27 to 30 days तो होता है मेल का, और फीमेल का थोड़ा ज़्यादा होता है, 40 से 54 दिन का, ठीक है। फिर 4 जनरेशन है, 1 साल के अंदर लगभग इसकी 4 जो है वो जनरेशन पाई जाती है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो सिंपल सा मैनेजमेंट है। सबसे पहले हम बात करें तो मेनली इसके लिए स्प्रे ही यूज लिए जाते हैं, तो 5 से 7 लीटर पानी लिया जाता है पर ट्री के हिसाब से, क्योंकि फ्रूट क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक पौधे की बात करेंगे। मिथाइल डेमेटोन 25 EC 0.03% स्प्रे, या फिर मेलाथियान 50 EC का 0.05% जो है स्प्रे, 5 से 7 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके हम क्या है पर ट्री के हिसाब से इसको स्प्रे करते हैं। या फिर नर्सरी के अंदर जिस टाइम प्लांट्स नर्सरी के अंदर होते हैं उस समय क्या है कार्बोफ्यूरोन 3G की 10 ग्राम मात्रा जो है वो प्रति पौधे के हिसाब से हम यूज़ लेते हैं, ग्रैनुअल्स आते हैं इसके। फिर है एक बात करें नेचुरल एनिमीज़ की, ठीक है, तो ये क्या है नेचुरल एनिमीज़ है, नेचुरल एनिमीज़ की बात करें प्राकृतिक शत्रु की, तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट और जो है 100% अगर मान सकते हैं हम, तो ये इसको जो है वो पाया गया है कि ये 100% इसको कंट्रोल कर सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज होता है इस पेस्ट के लिए। एनकार्सिया
परमिसियोसी, ठीक है। एनकार्सिया परमिसियोसी ये क्या है, एक पैरासाइट है जिसको यूज़ किया जाता है एज नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक शत्रु के रूप में, बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड जो पेस्ट है आपके एप्पल का वो है वूली एफिड, ठीक है, एप्पल का वूली एफिड। अब एफिड है तो एफिड हमने पहले भी पढ़ रखे हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर के, बाकी सारे सेम करेक्टर है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। वो क्या है मैंने आपको बताया, इसमें भी क्या है दो ही स्टेज पाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है एरियोसोमा लेनिजेरम, ठीक है। फैमिली एफिडीडी सारे एफिड की होती है, और ऑर्डर हेमिप्टेरा, ठीक है। अब हेमिप्टेरा ऑर्डर है, बाकी सारी चीज़ें होगी जो अभी पिछले में बात की है हमने पिछले पेस्ट में। नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो लगभग सेम होता है, लेकिन इसके अंदर स्केल से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ वैक्सी कॉटनी ग्रोथ होती है बॉडी के ऊपर, ठीक है, वाइट कलर के दिखाई देते हैं। देखिए निम्फ एंड एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाते हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर के, लेकिन स्पेशल बात करें स्केल इंसेक्ट की तो उसमें क्या था कि निम्फ प्लस सिर्फ फीमेल एडल्ट जो थी वो नुकसान कर रही थी, ठीक है। इसमें दोनों नुकसान पहुँचाते हैं। सक सेफ फ्रॉम प्लांट, प्लांट से क्या है सेप को है वो शक करते हैं। इससे क्या होगा, जो पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, पत्तियां जो होगी लीफ बिकम पेल ग्रीन, यानी कि जो है पीली हरे रंग की हो जाती है, पीलापन लिए हुए हरे रंग की, ठीक है, पीला हरा है वो रंग हो जाता है लगभग इसका, ठीक है। फिर है ग्रोथ, अब क्या होगा वाइट कलर की ग्रोथ जो है वो हमें नज़र आती है लीव्स के ऊपर, प्लांट पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। वाइटिश कॉटनी ग्रोथ स्पॉट्स ऑन ब्रांचेज एंड स्टेम्स, यानी कि जो भी टहनिया या तना होगा उनके ऊपर क्या है वाइट कॉटनी जो है ग्रोथ वो नज़र आती है। ये हम इसको, ये इसको पहचानने के लक्षण, हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं प्लांट के ऊपर क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई टहनी है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या है कॉटनी ग्रोथ होगी, कॉटन जैसी, जैसे कॉटन क्या होता है ना रेशा, उस प्रकार से क्या है इसे जगह जगह पे क्या है इस पर कॉटन के लाइक ग्रोथ होगी, कॉटनी ग्रोथ होगी, इसे हम पहचान सकते हैं। अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्सो फ्रॉम, अब ये क्या होता है इसके साथ साथ क्या है ये रूट्स है ना, जो जड़ें जो होती है यानी कि सॉइल के निचली, ठीक है, बिलो सॉइल क्या है जो रूट्स होती है, यहाँ से भी क्या है ये सेप को शक करता है, ठीक है, सेप को शक करता है। इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा जो जड़ें जो होगी है ना, मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, ये रूट है, ठीक है, प्लांट की, तो क्या है अगर ये यहाँ से सेप को शक करेंगे, ठीक है, यहाँ से सेप को शक करेंगे तो क्या है इसमें एबनॉर्मलिटीज आएगी, ठीक है, नॉर्मल रूट नहीं रहती, इससे क्या है यहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये जो होगी ये क्या है अब इस पोर्शन में क्या है स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब स्वेलिंग से क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, जैसे देखने में हमें ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे कोई नोट बन रखी हो, यानी कि गांठ बन रखी हो, ठीक है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई गांठ बन रखी हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ये ब्लॉकेज हो जाता है, ये वाला पोर्शन ब्लॉकेज हो जाएगा, तो नीचे से कोई भी पानी हो गया या फिर बात करें कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो प्लांट के ऊपर नहीं जा पाते, जिससे क्या है प्लांट ऊपर से सूखना स्टार्ट कर देता है, बिकम ड्राई, ड्राई होने लग जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑल्सो फ्रॉम रूट्स, रूट्स से भी क्या है ये सेप को शक करेंगे, उससे क्या होगा रिजल्टिंग, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा स्वेलिंग, ठीक है, रूट्स स्वेलिंग ऑफ रूट, यानी कि जड़ें जो है वो उनमें स्वेलिंग आने लग जाती है, लुक लाइक गॉल यानी कि गाल या फिर नोट्स, गांठ के समान, कहने का मतलब गांठ के जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई गांठ बन रखी हो, ठीक है। प्लांट्स बिकम ड्राई, और पौधे जो है वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, ऐसे नज़र आता है जैसे पूरा प्लांट जो है वो सूखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके क्या है नेचर ऑफ डैमेज है, कैसे ये डैमेज करता है। फिर लाइफ साइकिल की बात करेंगे, बहुत सिंपल सा लाइफ साइकिल है, दो स्टेज होती है सिर्फ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, निम्फ एंड एडल्ट, ठीक है। बहुत, अब इसकी जो फीमेल होती है ना वो दोनों ही फीमेल जो होगी वो क्या है सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही मेथड से क्या है निम्फ को जन्म देती है, ठीक है। एसेक्सुअल की बात करें तो वही है मेनली विवीपेरस माना जाता है, विवीपेरस, ठीक है, विवीपेरस माना जाता है। अब देखिए बहुत सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मोस्टली बाय
पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बिना निषेचन के जन्म देना क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि एसेक्सुअल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। अब टोटल अगर बात करें इस कंप्लीट के कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर लगभग 116, ये माना जाता है कि 115 से 116 निम्फ को ये जन्म देती है। ठीक है, 116 ये क्या है? निम्फ है ना। 116 निम्फ को एक कंप्लीट लाइफ साइकिल में एक फीमेल जो है लगभग 116 निम्फ को जन्म देती है। चार बार क्या होता है इसके अंदर? इंस्टार्स होते हैं, मोल्टिंग होती है। फोर निम्फल इंस्टार्स यानी कि निम्फ जो होते हैं उनमें चार इंस्टार्स पाए जाते हैं, मोल्टिंग होती है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद है जो एडल्ट इमर्ज आउट होता है। ठीक है, अब एडल्ट जो होंगे वो बहुत हो सकते हैं, यानी कि विंग्ड भी हो सकते हैं, पंख युक्त भी हो सकते हैं, और विंगलेस बिना पंख वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, पंख वाले भी हो सकते हैं और बिना पंख दोनों ही होते हैं इनमें। अब ये क्या है? इनके अंदर पार्शियल माइग्रेशन होता है। अब पार्शियल माइग्रेशन कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जब दिसंबर का महीना जो होता है, ठीक है, दिसंबर का जो मंथ है उस टाइम क्या होगा? मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, ये पौधा है। तो जब दिसंबर के मंथ की हम बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एफिड जो है ये ऊपर से डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक है, ये कब की बात आ रही है? दिसंबर के मंथ में, है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इनकी। ठीक है, अब जैसे ही बाद में वापस सर्दियों का मौसम निकल जाता है, मई का जो महीना आता है, ठीक है, मई के महीने में क्या होगा? ये जस्ट उल्टा होगा, यानी कि रूट वाली साइड से ये क्या करेंगे? अपवर्ड, ऊपर की साइड है। कब की बात है ये? मई वाले मंथ की। ठीक है, यानी कि मई के महीने में क्या होगा? ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं और दिसंबर वाले में नीचे की तरफ। तो इस प्रकार क्या इनके अंदर माइग्रेशन पाया जाता है, लेकिन पार्शियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत थोड़ा माइग्रेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो ये जो है इसका लाइफ साइकिल है। अब बात, ये जो फोटोज आप देख रहे हो कॉटनी ग्रोथ, इस प्रकार से क्या है हमें ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट के ऊपर। ठीक है, ये दिख रहा है ट्विग्स वगैरह जो है ना, लीफ ब्रांच ये है ये कोई। अब देखो ये अच्छे से पूरी तरीके से क्या है? कवर हो रखी है, जो वैक्सी ग्रोथ है ना, जो कॉटनी ग्रोथ है प्लांट के ऊपर, कॉटनी ग्रोथ हो जाती है। इस प्रकार इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ये सारे क्या? इसके निम्फ है एफिड के, है ना, निम्फ है। ये इसका एडल्ट है। तो इस प्रकार के हम इसको पहचान सकते हैं आसानी से। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल की, सेम उसी की तरह है, यानी कि कब कब कितने टाइम का होता है। तो निम्फ और एडल्ट लगभग 10 से 42 दिन का होता है, यानी कि निम्फ से एडल्ट बनने में 10 से 42 दिन लगता है, और उसके बाद विद इन 24 आवर्स एक दिन के अंदर क्या एडल्ट से वापस जो है एडल्ट वो निम्फ, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस से होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस से वापस जो है वो निम्फ को जन्म देना स्टार्ट कर देती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। टोटल लाइफ साइकिल जो होता है वो 11 to 43 डेज का, यानी कि 11 से 43 दिन का, और लगभग 13 जनरेशन जो है वो पाई जाती है एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में इसमें क्या है? सबसे पहले तो कि जो रूट स्टॉक हम जो लेते हैं, है ना, कि पौध तैयार करने के लिए जो रूट स्टॉक यूज में लिया जाता है उसको, वो अच्छा होना चाहिए। उसके लिए कुछ सजेशन भी दिए हुए, जैसे गोल्डन डेलिशियस या फिर मॉर्टन स्टॉक। मॉर्टन स्टॉक में क्या क्या हो सकता है? 778, 779 या फिर 793, ये जो है इनमें से आप कोई भी रूट स्टॉक ले सकते हो, क्योंकि इनके अंदर इस पेस्ट के ये माना जाता है कि इसका जो डैमेज है वो कम होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जब लीफ फॉलिंग हो रखी हो रही हो, यानी कि पत्तियां जो है वो झड़ रही हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? डाइजिनोन, ये केमिकल है डाइजिनोन 20 EC, इसकी 3.75 लीटर जो मात्रा है वो 1500 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके हम क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से, है ना, ये पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया गया है। फिर बात करते हैं स्प्रे की, तो कुछ केमिकल्स दिए गए हैं, मेथाइल डेमेटोन हो गया 25 EC, या फिर मेलाथियन 50 EC है जो इनका स्प्रे किया जाता है, 100 ml या फिर 2 लीटर जो मात्रा है, इसको 1500 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको भी हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए भी क्या है? एक नेचुरल एनिमी है बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल में, ये पेरास्टोइड है जिसको इसके विरुद्ध यूज किया जाता है, वो है
एफिलिनस मैली, ठीक है। एफिलिनस मैली जो है इसको यूज़ किया जाता है एज ए बायोलॉजिकल एजेंट, एज ए नेचुरल एनिमी। तो ये भैया आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके थैंक्स। अब आपके मुश्किल से तीन तीन या हाईएस्ट मान लो चार क्लास होगी जिसके अंदर कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी पढ़ लेना अच्छे से, एग्ज़ाम भी शायद आपके नज़दीक आने वाले हैं। तो ओके थैंक यू।